एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद बरेली के ब्लॉक बहेड़ी में स्थित फर्दिया मनकरा गांव पड़ा। लगभग 1100 की आबादी वाला यह गांव जनपद मुख्यालय से 70 किलोमीटर दूर तो वहीं ब्लॉक से इस गांव की दूरी मात्र 25 किलोमीटर ही है। वर्तमान में गांव के प्रधान हरदीप सिंह हैं, जो गांव को विकास के पथ पर अग्रसित कर रहे हैं। लगभग 825 वोटर वाला यह गांव विकास के पथ पर अग्रसित है। वर्तमान समय में गांव में लगभग 250 राशन कार्ड धारक हैं। बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गांव के जूनियर एवं प्राइमरी पाठशाला में लगभग 43 बच्चे अध्ययनरत हैं। इसी के साथ ही गांव में विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 50 विद्युत पोल, 3 विद्युत ट्रांसफार्मर व स्ट्रीट लाइटें भी लगवाई गई हैं तथा पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में 12 हैंडपंप लगवाए गए हैं। बात अगर विकास कार्यों की जाए तो वर्तमान प्रधान ने गांव में खडंजे, पानी निकासी के लिए नाली, सीसी टाइल्स रोड, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास व स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालयों का भी निर्माण कराया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने गांव में पंचायत घर, स्वास्थ्य केंद्र, आंगनबाड़ी केंद्र, बारात घर, पशु चिकित्सालय, पानी की टंकी, शमशान घाट, पानी निकासी के लिए नाला, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 40 आवास, स्वच्छ भारत मिशन के तहत 115 शौचालय, 10 सीसी टाइल्स रोड व 8 खडंजे के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। ग्राम प्रधान हरदीप सिंह, ग्राम पंचायत फर्दिया मनकरा, बहेड़ी ब्लॉक बरेली। और मेरे यहाँ पर विकास कार्यों में बहुत कमी है, क्योंकि हमारी ग्राम पंचायत श्री जगीर ग्राम पंचायत से अलग होने के कारण और इसमें राशि बहुत कम है। और मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि इस ग्राम पंचायत में ज़्यादा से ज़्यादा धन उपलब्ध कराया जाए, जिससे ग्राम के कार्य विकास हो सके। और अभी तक हमारे यहाँ पर शौचालय बिल्कुल नहीं आए हैं, ना बन पाए हैं। अतः काफ़ी जगह पर कच्ची सड़कें हैं जहाँ खड़े नहीं पड़े, और सीसी हमारे यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। और ये सब पैसे के कारण बजट हमारे यहाँ बहुत कम है, जिसके कारण कुछ उपलब्ध काम नहीं हो पा रहे हैं। और हम आशा करते हैं सरकार से कि आने वाले टाइम में हमारी जो योजना के अंतर्गत किस्त है उसको और बढ़ा करके दिया जाए, जिससे हमारे शौचालय और हमारे यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या आवासों की है। आवास अभी तक कोई नहीं है, जो गरीब लोग काफ़ी मेरी ग्राम पंचायत में हैं जिनको अभी तक आवास नहीं मिले, इसकी सूची भी बना करके हमने दे रखी है और अभी तक वो सूची हमारे पास उसका कोई जवाब नहीं है। पर अभी तक आंगनबाड़ी केंद्र भी नहीं है, स्वास्थ्य केंद्र भी नहीं है, पशु चिकित्सालय भी नहीं है, और शमशान घाट की बाल बाउंड्री और कोई अभी उसमें भी शेड उपलब्ध नहीं है। और ये सभी चीज़ें हमारे यहाँ पर बनने वाली हैं, जो कि सरकार से निवेदन है कि इसको जल्दी से जल्दी करवाया जाए, जो कि गांव वालों को इसका सहयोग मिले और गांव में सभी लोग इस चीज़ का आराम से योजना का लाभ उठा सके। गांव मनकरा है, मनकरा फर्दिया, और प्रधान जी हमारे बहुत अच्छे हैं, अच्छा काम करवा रहे हैं, लेकिन हमारी सभा छोटी है इसलिए पैसा कम आ रहा है, इसलिए कुछ काम कम हो रहे हैं। हमारी ग्राम पंचायत नहीं अलग हुई है, ये मनकरा फर्दिया ग्राम पंचायत है। इसमें कोई विकास मोदी सरकार में हमें कोई फायदा ही नहीं मिल रहा किसी किस्म का, ना कोई हमें नाली खड़ंजा आज तक नहीं मिला, ना ही विधायक जी कोई दिया है। विधायक जी को बोलो, कहते हैं हमारे खाते में पैसा नहीं है। हमारे पास और बड़ी बड़ी ग्राम पंचायतें उनको देखें, या 700-800 वोट वाली ग्राम पंचायत को देखें। पूर्ण सिंह पेंशन अजे ती कि पेंशन लगी नहीं, असी 90 साल की उम्र हो गई है, कोई गवर्नमेंट ने नहीं ठीक कोई लाभ नहीं दिता, कोई लाभ नहीं दिता। ठीक है।